मैं मेरी पार्टी सबसे पहले ये राजनीतिक परिवर्तन करेगी सभी प्रकार के टैक्स को खत्म करके, और उसके बाद भी टैक्स को खत्म करने के बाद भी हमारी खजाना जो है आज के जितनी खजाना का बजट है उसका 10 गुना 100 गुना ज्यादा हमारे पास बजट होगा, क्योंकि उसमें जन भागीदारी होगी, हर आदमी की भागीदारी होगी। हम सत्ता को डायरेक्ट जनता के पास ले जाकर विकेंद्रीकरण कर देंगे। आज के टाइम में क्या है, सरकार का कोई सामान रोड ईटा रोड पर दिया जाए तो रात भर में सारा ईटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को लगता है ये सरकार का सामान है। और हमारे टाइम में लोगों को ये लगेगा कि ये सरकार का सामान नहीं है, ये जनता का सामान है, इसलिए उसका हिफाजत करना जनता की दायित्व बन जाएगा। मतलब सोच को बदलना, आज की मानसिकता गुलाम मानसिकता को बदलकर एक स्वस्थ समृद्ध भारतीय मानसिकता, जो पुरातन मानसिकता हमारी थी, उस मानसिकता को हम कायम करेंगे। और ये मानसिकता को कायम करने का मतलब है जो वन टू ऑल सभी प्रकार की समस्याओं का बेहतरीन समाधान करना। अच्छा, किस तरह से आपका संदेश रहेगा अंत में, किस तरह के निगम के चुनाव नजदीक हैं, अगले साल होने वाले हैं, प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, जगह जगह कहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, कितने आपके मेंबर्स पार्टी के अभी तक उपलब्ध हैं? देखिए, यहां भी मैं राजनीतिक दशा बदल रहा हूं। मेरे राजनीतिक पार्टी के तौर पर हम मेंबर नहीं बना रहे किसी को। हम अगर मेंबर बनाते हैं तो हम बांटते हैं, हम बांट कर काम चलते नहीं। हमारा पूरे भारत हमारा मेंबर है, हम सबको अपना मेंबर मानते हैं, इसलिए हम मेंबर बनाने की प्रक्रिया में नहीं है, ना मेंबर बना रहे हैं। हम वर्क करेंगे, हम जितने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे सभी कैंडिडेट हमारे टोटल सीटों पर जीतेगी। और जो पब्लिक वोटर्स हैं, तो मैं ये अंदाज लगा के चल दिया हूँ, दिल्ली में 20 लाख लोगों को मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष रोजगार से जोड़ूंगा, 20 लाख परिवार को। और सबसे पहले कोविड कंट्रोल फंड, कोविड से जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट की लापरवाही से, ब्यूरोक्रेसी की लापरवाही से, किसी की लापरवाही से जो लोग सफर किए हैं, उन सभी परिवार को 2 लाख से 3 लाख रुपया में कोविड फंड के रूप में उनको दूंगा, आसान किस्तों पर वापसी कराने के लिए। ये नहीं फ्री फंड नहीं दूंगा, लेकिन ये दूंगा आज आप लो और आसानी तरीके से 2 साल 3 साल में वापस करके आप अपना भी ठीक करो, सरकार को भी ठीक करो। इसके अलावा 10 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को दिल्ली में मैं पक्का मतलब MCD का निगम का रोजगार दूंगा। ऐसे ही 2 लाख मीट मछली वालों को करूंगा। ऐसे ही जो खाद्य हम खाते पीते हैं सारा हम इंजेक्शन वाला खाते हैं, दूध जो हम पीते हैं मदर डेयरी और किसी का सब नकली पीते हैं, हम इसके लिए यमुना के दोनों साइड में 50,000 कम से कम इस साइड, 50,000 कम से कम उस साइड, 1 लाख गौ को पालन करके और जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा भी बढ़ा करके इसको ऑर्गेनिक तरीके से दूध उत्पादन करके सभी दिल्ली वालों को 35 से 40 रुपए किलो का शुद्ध दूध, भारतीय दूध दूंगा। इसके अलावा प्रदूषण, यमुना के किनारे गाय माता रहेंगी, गाय के मूत्र से गोबर से सबसे यमुना स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगी, उसमें कोई कीटाणु नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारी हमारी प्लानिंग है जो हम दिल्ली को स्वस्थ बनाने के लिए देंगे। सब्जी और साग सब्जी जो बाहर का खा रहे हैं 4 दिन 5 दिन का आने में लगता है, उसके बाद फ्रिज में रहता है, ये सब चीज़, इन सभी चीज़ों को मैं अलग करके दिल्ली में जितने पार्क हैं सारे पार्क में मैं फल फ्रूट साग सब्जी उपजा के रासायनिक तरीके को ख़त्म करके भारतीय पद्धति से ऑर्गेनिक तरीके जो हमारा है ना अपना भारतीय तरीके से उगा के लोगों को वो खिलाएंगे। क्योंकि स्वस्थ जब आदमी रहेगा तो स्वस्थ विचार रहेगा, और स्वास्थ्य जो आप हमारा एलोपैथी अंग्रेजी दवा खा के बर्बाद कर रहे हैं, मैं इस जीवन शैली को ही बदल दूंगा। इतना जीवन से इस प्रकार जीवन शैली को बदलूंगा कि लोग जिंदगी भर क्या, जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा तब तक, या जब तक सूरज चांद है तब तक लोग मुझे जिंदा मतलब जानते रहेंगे, वो परिवर्तन मैं दे दूंगा, मैं बदल दूंगा, काया पलट दूंगा दिल्ली का और देश का। और इसके लिए मैं किसी के घर घर जाके न रैली करूंगा, न धरना करूंगा, न प्रदर्शन करूंगा, सिर्फ वोटर से डायरेक्ट MOU साइन करूंगा और कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या जिस राज्य में इलेक्शन होगा उस राज्य के हाई कोर्ट का अंडरटेकिंग दूंगा, MOU साइन करूंगा डायरेक्ट परिवार से वोटर से। और वो MOU पहला बार होगा इस देश में राजनीतिक दिशा और दशा को बदलने का।
हम आपके साथ ये ठेका कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट है, आप हमें वोट देंगे हम आपको ये सुविधा देंगे, आप हमें वोट नहीं देंगे आपने कर खुश हम अपने कर खुश। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।